बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों के बीच बांग्लादेश के दौरे पर है चीन के विदेश मंत्री। तो चीन के विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश की सड़कों पर उतरी हुई है जनता और बांग्लादेश के दौरे पर हैं चीन के विदेश मंत्री। आज पीएम शेख हसीना के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में क्या बात होती है, इस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त बांग्लादेश से ये बता रहे हैं कि वहां पर सबसे बड़ी बिजली कटौती की खबर है। पेट्रोल और डीजल के दाम में तो बेतहाशा इजाफा हुआ ही हुआ, वहां पर सबसे बड़ा पावर कट हुआ है, इस बात की जानकारी भी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश के दौरे पर चीन के विदेश मंत्री जो आज प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और एक बड़ा आर्थिक संकट इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। विकास भदौरिया, सबसे बड़ा पावर कट 3 साल में। देखिए, विदेश मंत्री चीन के वांग ई वहां पर दौरे पर हैं और इसी दौरान जो बांग्लादेश है सबसे बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है। देखिए, दुनिया भर में यूक्रेन युद्ध के बाद जो एलएनजी की कीमत थी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की कीमतें थी, वो लगातार बढ़ रही थी और पश्चिमी देशों ने इसका भंडारण करना शुरू कर दिया था, इसको स्टोर करना शुरू कर दिया था। जो सोवियत संघ से सप्लाई आती है वो निर्बाध जा रही है, लेकिन उसके बावजूद एक आशंका थी। इसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया भर में कीमतें बढ़ी और बांग्लादेश जहाँ पर ज़्यादातर पावर प्लांट जो है वो एलएनजी से चलते हैं, उसके लिए संकट खड़ा हो गया। और हुआ क्या, बांग्लादेश ने एलएनजी के कार्गो जो है वो खरीदने बंद कर दिए, जिसकी वजह से जो पावर प्लांट थे वहाँ पर एलएनजी की सप्लाई बाधित हुई और ज़बरदस्त पावर कट वहाँ पर शुरू हो गया। पिछले 3 साल में सबसे बड़े पावर कट का बांग्लादेश को सामना करना पड़ रहा है और इस पावर कट से सीधा असर उसकी इकोनॉमी में पड़ रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेडीमेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश, वहाँ बिजली संकट खड़ा हुआ तो इंडस्ट्री का उत्पादन सीधे तौर पर प्रभावित हुआ और उत्पादन प्रभावित हुआ तो जो 20% जो GDP का हुआ करता था बांग्लादेश की, उसमें ज़बरदस्त गिरावट आई। जाहिर तौर पर पूरी जो इकोनॉमी है वो बिजली संकट के साथ साथ सीधे सीधे उसके प्रोडक्शन पर, उसके आयात पर, उसके निर्यात पर असर डालती है और इसकी वजह से वहाँ ज़बरदस्त रिसेशन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि लगातार बांग्लादेश की तरफ से कोशिश हो रही है कि वो ओमान से नेचुरल गैस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस के, वहाँ से एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर ले, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। और इसी संकट के बीच अब बांग्लादेश में सबसे बड़े जो है बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो निश्चित रूप से जो एम्पलीफाई कर देगा इस पूरे के पूरे संकट को। प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम पहले से बढ़ा चुकी है सरकार, विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया है, चीन का कर्जा निपटाने के लिए ही उसको बड़ी तादाद में फॉरेक्स रिजर्व भी चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा झटका है बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उसकी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री जो है वो सीधे तौर पर बड़े बिजली कट से प्रभावित हो रही है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।